नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल वोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी। कामकाजी बीवी का जब जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि अगर बीवी को काम करना है तो घर बार कौन संभालेगा, और अगर वो अपने काम के साथ घर गृहस्थी संभाल सकती है तो उसका काम करना सही है। बस उस कामकाजी बीवी से उम्मीद यही की जाती है कि वो पति से पहले घर पहुंचे और मुस्कुरा कर चाय की प्याली दे। रसोई को औरतों की जगह मानना अकेले हिंदुस्तानियों की बपौती नहीं, बल्कि शायद इस अकेले मुद्दे पर दुनिया एकमत है। सदियों पहले महान ग्रीक नाटककार एस्केलस ने कहा था, दुनिया में शांति चाहिए तो औरतों को रसोई में छोड़ दो। हुआ भी यही, मसालों छुरियों से सजा साम्राज्य औरत को दे दिया गया। यहाँ आटा है, इधर सब्जियां, उधर गोश्त, ज्यादा कुछ नहीं करना। सुबह घर छोड़ते मर्द को बढ़िया नाश्ता करा देना, रात लौटे तो उसकी पसंद का ताजा खाना परोस दो। दूसरी तरफ मर्द ने मानो औरत की खुशी के लिए ही दुनिया के सारे मुश्किल काम अपने सिर डाल लिए हों। वो पैसे कमाता, दुनियावी दाव पे झेलता और बर्छियों से छिदा घर लौटता। औरत से तिल भर उम्मीद की उसका पकाया वो चख कर खा सके। खाना पकाने और मर्द को रिझाने की कला हो हर औरत में वैसी ही हो जैसे इंसानों में इंसानियत। वो औरत ही क्या जिसे देसी पकवान के साथ 70 किस्म के पुलाव और अंग्रेज मुगलई डिशें ना आती हों। एक भले मानुष ने इसी सोच के साथ अपनी बीवी को अलविदा कह दिया। हुआ ये कि हैदराबादी मियां दुनिया जहान की मुसीबतें ढोकर रात घर पहुंचा तो बीवी ने खाना परोसना तो दूर, उसकी तैयारी तक नहीं की थी। थोड़े इंतजार के बाद किचन में झांका तब भी सब्जियां ही तराशी जा रही थी। गुस्साए मियां ने आओ देखा न ताओ बिगड़ैल बीवी को साड़ी से गला घोटकर कत्ल कर डाला। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी मियां के चेहरे पर सबक सिखाने का संदोष था। एक और किस्सा कोलकाता से है। वहां बेहद कामयाब आर्किटेक्ट ननंद ने अपनी घरेलू भाभी की जान ले ली। आर्किटेक्ट को शक था कि भाभी ने कामचोरी में बासी बिरयानी उसके बच्चे को परोस दी, जिससे बच्चे को उल्टियां होने लगी। काम से लौटी हुई नंद ने भी भाभी को गिराकर बुरी तरह से मारा। मौके पर ही उस कामचोर घरेलू औरत की मौत हो गई। कलकतिया किस्सा सुनकर आप सोचेंगे कि नाहक मर्दों को लानत भेजी जा रही है। कत्ल तो औरत ने भी किया, सही है, लेकिन दोनों वाक्यों में एक बात कॉमन है कि खाना पकाने वाली की भूमिका में औरत ही रही और मारने वाली कमाऊ। कमाऊ यानी वो शख्स जिसके बैंक या बटुए में हर महीने पैसे आए, वही मरने वाली औरतें बस हाउसवाइफ ही तो थी। घर की सफाई रसोई के अलावा उनके पास काम ही क्या था। यूएन की साल 2019 की रिपोर्ट इस खाली बैठने का हिसाब करती है और पाती है कि रोज 90% औरतें औसतन 352 मिनट वो काम करती हैं जिसके उन्हें पैसे नहीं मिलते, वही मर्द रोजाना इस पर 51 मिनट खर्चते हैं। ये तो ठहरी घरेलू औरतें। कामकाजी औरतों के हाल और गए बीते हैं। बीवी का काम चाहे जितना चुनौती भर हो, उससे उम्मीद की जाती है कि मियां से पहले घर पहुंचे और चाय की प्याली मुस्कुराती हुई ही पेश करे। मान लो पति महाशय पहले घर पहुंच जाएं तो पैर पसारे तब तक बासी अखबार पढ़ते हैं जब तक कि पत्नी लौट कर रसोई न संभाल ले। कई बार देर से आने पर अगिया बेताल भी हो जाते हैं, तब डरी हुई बीवी और लजीज खाना पकाती है। मियां बीवी दोनों साथ घर लौटे तो भी हालात सुहाने नहीं होते। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की रिपोर्ट के मुताबिक औरतें, खासकर एशियाई कामकाजी औरतें, पुरुषों से 4 गुना ज्यादा अनपेड काम करती हैं। वो दफ्तर जाने से पहले बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, घर साफ करना जैसे काम निपटाती हैं और लौटने के बाद दोबारा जुट जाती हैं इन जरूरी लेकिन बेपैसे के कामों से उलझकर। उनके पास पढ़ने या नया सीखने का वक्त नहीं बचता, जबकि उनका साथी दफ्तर से लौटकर खाली वक्त में पढ़ता या कुछ सीखता है। नतीजा, ज्यादा या बराबर की प्रतिभा के बाद भी पत्नी पति से पीछे छूटती जाती है। वर्कप्लेस जेंडर इक्वालिटी एजेंसी यानी कि WEGA के आंकड़े आंखों में सुई चुभोकर ये सच्चाई दिखाते हैं। इसके मुताबिक वर्किंग वीक में भी दफ्तर के अलावा औरतों का 64% समय पकाने और बच्चों और सफाई में जाता है, जबकि मर्द बड़ी मुश्किल से 36% वक्त दे पाते हैं। भयंकर इम्यूनिटी वाले दुनिया भर के खाए पचाए मर्द भी घर के खाने को लेकर एकदम राजदुलारे हो जाते हैं। खाएंगे तो माँ या बीवी के हाथ का ही पका हुआ। तो भाई, औरत अगर सख्ती से पालतू ना बने तो उसे प्यार की जंजीर पहना दो। पालतूपन का ये पट्टा औरत चाह कर भी नहीं उतार पाएगी। एक फायदा और भी है, मामूली से मामूली बावर्ची भी तनख्वाह मांगते हैं।
जबकि औरत रोटी कपड़े पर मान जाती है, कई बार तो पकाने के बर्तन भाड़े भी साथ ले आती है। ऐसे में बावर्ची क्यों रखना, शादी कर औरत ही क्यों ना ले आए। तभी तो देहरी फड़फड़ाते ही दुल्हन की पहली रस्म मीठा बनाने की होती है, बस उसी एक रोज उसे पकाने के बदले नेक या तारीफ मिलती है और फिर पूरी उम्र के लिए रसोई अकेले उसका जिम्मा बन जाती है। बहू तेरी नई उम्र की लड़कियां इस पर बड़ा झींकती हैं, आंकड़ों के हवाले से मेज पर मुक्के मारती हैं, खुद को ना बदलने की कस्में खाती हैं, लेकिन शादी के बाद सरनेम भले ना बदले रसोई से दोस्ती करनी ही पड़ जाती है। दोस्ती तक ठीक है, लेकिन जल्द ही ये उस अकेली की जिम्मेदारी हो जाती है। एक वक्त पर अनपेड कामों को औरतों के पीछे रहने का कारण बताती वो बागी लड़की तब हारी बीमारी में भी करहाते हुए रसोई में खड़ी हो जाती है। ये कहा कि बराबरी है दोस्त, रसोई में रहो, मनचाहा रहो, बारहो किस्म की दावतें पकाओ, बीसियों को खिलाओ, पति अपने दोस्तों को दावत पर बुलाए आने दो, मेहमान नवाजी करो, लेकिन पक्का कर लो कि देग तुम संभालोगी तो करछी पति चलाए, अगर नहीं तो इनकार कर दो। रिश्ता जुड़ने की शर्त अगर रसोई में हुनरमंद होना हो तो रुक जाओ, खाना पकाना पसंद है तो पकाओ, ना पसंद हो तो खुल कर कह दो। रसोई खुशी है कोई कब्र नहीं, जिसमें तुम्हारा सामना जरूरी ही हो, और प्यारे मर्दो तुम भी हर दम आत्मनिर्भरता की तुम्हारी दुहाई रसोई या घरेलू कामों में कहां चली जाती है। मसालों की महक को मर्दानगी पर हमला मानने की बजाय कॉमन सेंस लगाओ। तुमने इंजीनियरिंग की तो तुम्हारी बीवी ने भी कॉलेज में मुर्गे मुसल्लम बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली होगी, उसने भी रात भर जाकर वही सीखा जो तुमने सीखा, यानी उसकी जगह अकेली रसोई नहीं बल्कि वो सारी दुनिया है जहां कोई भी आ जा सकता है। बस थोड़ी जगह रसोई में तुम भी बना लो।